हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने एक लंदन फाइल्स नाम का वेब सीरीज़ देखा है। ये आपको वूट सेलेक्ट पे देखने को मिल जाएगा, और अगर आपके पास वूट सेलेक्ट नहीं है तो भैया फटाफट से ले लो, क्योंकि इसी के ऊपर असुर आना है। तो मैंने तो असुर के चक्कर में ले लिया था, और असुर के बारे में अलग से मैं अपडेट आपको अपने चैनल के ऊपर भी दे चुका हूँ। और कुछ अपडेट चाहिए तो मूवी शूवी मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी आ जाना। मेरा जो लंदन फाइल्स है, जब मैं ये देख रहा था, इसके 6 एपिसोड आए हैं, करीबन 25 मिनट का एक है, ये समझ लो आगे पीछे का नामकरण हटा के। ये ऐसा क्राइम थ्रिलर है जो कि मेंटल ट्रॉमा को भी डिपेक्ट करता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब मैं इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जब नॉर्मल लोग देखेंगे इसको, और देख के क्या इम्प्रेशन क्या जमाएंगे इसके ऊपर, क्या ये बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग है, क्योंकि इसके अंदर अर्जुन रामपाल हैं, पूरब कोहली है, रॉकऑन में इनको देखा था, और नेल पॉलिश में तो बहुत इंप्रेस किया था अर्जुन रामपाल ने, तो होगा, क्योंकि इसके बहुत ही एक्सट्रीम रिव्यूज़ आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था इसका। क्योंकि कुछ लोग ये इसको रिडिक्यूल करेंगे और ये बोलेंगे कि यार ये ना कुछ अपनी मर्जी से ही हो रहा है कुछ कुछ इसके अंदर, और कुछ लोग जैसे ही इस सीरीज़ को क्राइम ड्रामा प्लस मेंटल ट्रॉमा से अटैच करेंगे तो अचानक से आपको क्लैरिटी कुछ ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो होता यूँ है कुछ इसके अंदर कि अर्जुन रामपाल का जो ओम का कैरेक्टर है, वो डिटेक्टिव है, उसकी पर्सनल कुछ ट्रेजेडी होती है, और वहाँ से वो उस ट्रेजिडी के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करने लग जाता है। और जब उसके पास हाई प्रोफाइल केस आता है, जो कि पूरब कोहली की डॉटर का होता है, अमर रॉय उसका नाम होता है इसके अंदर, उसको सॉल्व करने आता है, तो उसके हाथ पैर भी फूलते हैं, वो अपने ड्रग्स पे भी होता है, कुछ मेडिकेशन के भी होता है। तो ये होता इसीलिए कि क्योंकि अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, मान लो कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन जब आपके ऊपर वो बात आती है, जब आपके ऊपर केस आता है, तो एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। ये इस इनसाइट को यूज़ करके यहाँ पर आगे लेके गया है सीरियल, कि जब आप वैसे बड़े शार्प माइंडेड हैं, आप हो सकता है कि इतने शार्प डिटेक्टिव हैं कि पिन को भी देख के आप नोटिस कर लें कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन जब आपके परिवार के ऊपर कुछ चीज़ आती है तो आप इतने पैनिक मोड में होते हो, क्योंकि आप इतने ट्रॉमा में होते हो उस लॉस के चक्कर में, कि अपनी बारी में वो जो इन्वेस्टिगेशन है आपकी थोड़ी सी वीक रह जाती है, आपकी नज़र उतनी पार की नहीं होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो बिहेवियर डिस्क्राइब करता है कि जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, वो जब केसेस सॉल्व कर रहा होता है तो उसकी पार की नज़र होती है, और जो अपना केस जो उसको पैरेलली जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, उसके लिए वो पार की नज़र धीरे धीरे एपिसोड्स में कैसे हैंडल होती है। तो कैरेक्टराइजेशन इस सेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी गई है। दूसरा, जो अंडरलाइंग मैसेज है, जो एक कल्ट बिहेवियर दिखाया गया है, और जो एंटी माइग्रेशन लॉ दिखाया गया, और उसका लिंकेज किस तरीके से एक गुरु की उत्पत्ति करता है और एक पाथ फाइंड गिवर की उत्पत्ति करता है, और उसके वजह से अमर रॉय की लाइफ और उसकी डॉटर की लाइफ कैसे कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और उसका रेपरकशन उनकी ज़िंदगी के अंदर भी कैसे आ जाता है, और एक को सॉल्व करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी कैसे सॉल्व हो जाती हैं, ये आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। सब प्लॉट्स काफ़ी सारे हैं जो स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मिडवे आते आते आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल ये लगेगी, बट फ्लॉड कैरेक्टर्स की वजह से आपको लगेगा कि मैं और जानूँ और देखूँ। और जो लोग थोड़ा सा ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी तक टीवी देखते आए थे और अब बहुत ज़्यादा OTT की तरफ अब रुझान दिखा रहे हैं, उनको ये काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट लगेगा, क्योंकि अभी तक वो साड़ी सीरियल्स देखते आए हैं अभी तक, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट दैट्स हाउ पीपल डिस्क्राइब इट दीज डेज। तो उनको लगेगा कि कुछ फ्रेश कंटेंट उन्होंने देखा है, और किस तरीके का ऐसा डिटेक्टिव देखा है जो बिल्कुल ही घूमा हुआ है, कंफ्यूज हो जाता है, बट एट द सेम टाइम जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू बी अ वेरी शार्प ऑब्जर्वर, वो भी वो जाने नहीं दे रहा है। अब इसको जिस तरीके से दिखाया गया, जो उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, क्योंकि लंदन की बैकग्राउंड है, और थोड़ा डार्क ग्लूमी नाइट और इवनिंग वाले शॉट्स ज़्यादा लिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया है, एक्टिंग मैं ये बोलूँगा कि जो शार्पनेस चाहिए चीज़ों को जानने के लिए, और जो सैडनेस चाहिए कैरेक्टर के अंदर, वो अच्छे से डिपेक्ट किया अर्जुन रामपाल ने। नेल पॉलिश वाली प्रोवेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक है। तो मैं इसको मूवी शूवी स्कोर दूंगा B+। थोड़ा सा ट्रैक है 6 एपिसोड के बावजूद भी, अगर आप बीच में इसको थोड़ा काट सकते थे तो काट सकते थे, क्योंकि जो प्लॉट है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी अदरवाइज़ ये बुरी सीरीज़ नहीं है, ये अच्छी सीरीज़ है, देखने लायक है, एंड यू विल आई थिंक विल एंजॉय। तो फिर मिलते हैं यार एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।